हेलो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल m.shamshad media फॉर लेटेस्ट मुशायरा एंड अदर प्रोग्राम्स एंड प्रेस द बेल आइकन गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, दरभंगा लाइव न्यूज़ पे आप सबों का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं दरभंगा लाइव न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं आसना जया, जिला टॉपर, जिनसे आज खास मुलाकात करने के लिए आप लोग देख रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं दरभंगा लाइव न्यूज से। स्वागत है आसना जिया आपका दरभंगा लाइव न्यूज में, और मुबारकबाद पेश करती है दरभंगा लाइव न्यूज की टीम आपको। आपने जिला टॉपर, आप जिला टॉपर यहाँ से हुई हैं, और सबसे बड़ी बात बिहार बोर्ड में आपने बिहार में 10वां स्थान प्राप्त किया है। आप कैसा फील कर रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए। मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी नहीं, आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड बाय द लव ऑफ द पीपल हु हैव गिवन मी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसका सबसे बड़ा श्रेय आप किसे देना चाहेंगी? इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं अपनी मम्मी और मेरे टीचर को देना चाहूंगी, क्योंकि इन्होंने पढ़ाने के साथ साथ इंस्पायर और मोटिवेट भी किया और सही तरह से गाइड भी किया हमें। आप तो जिस तरह का आपने सफर हासिल किया है, आपने जो मुकाम हासिल किया है, इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं हुई, किसी तरह की परेशानी का भी सामना करना पड़ा? हाँ, बहुत सारी कठिनाई का सामना पड़ा करना पड़ा, लेकिन जिस तरह से मैंने बोला कि मेरे टीचर, उन्होंने बहुत हेल्प की है। सिर्फ पढ़ाने के साथ साथ हमें ओवर टाइम भी वो करते थे, कोचिंग खत्म होने के बाद भी हमारे कोई क्वेरीज हुआ करती थी तो उसे सर सॉल्व किया करते थे, हमारी बहुत हेल्प किया उन्होंने। आप तो जिस कोचिंग से आपने पढ़ाई किया है, उनका पूरा, उस कोचिंग का पूरा नाम क्या है? इट्स NICBA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपके पापा का नाम जानना चाहेंगे कि आपके पापा का नाम क्या है, वो करते क्या है? मेरे पापा का नाम मोहम्मद जियाउल हक है और वो एक फार्मर है। बहुत खुशी की बात है, ये आप दरभंगा लाइव न्यूज के माध्यम से सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि एक फार्मर, एक किसान की बेटी जो आप दरभंगा का नाम रोशन कर रही है, रोशन किया है इन्होंने, बहुत खुशी की बात है। इनसे जानना चाहेंगे कि इनका सबसे ज्यादा लगाव कौन सा सब्जेक्ट से था, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिनसे इनका सबसे ज्यादा लगाव था? मेरा सबसे ज्यादा लगाव था अकाउंटेंसी की तरफ, मुझे बहुत पसंद था अकाउंटेंसी। अकाउंट में आपको कितना मार्क्स आया? 87। अकाउंट में इन्होंने 87 मार्क्स प्राप्त किए हैं, और आपका जो इसके बाद जो आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश आपका कैसा रहा? इंग्लिश भी मेरा बहुत अच्छा रहा और उसमें मुझे 83 मार्क्स आए हैं। दरभंगा लाइव न्यूज के माध्यम से आप ये लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, और आपको बताना चाहेंगे आसना जया जो दरभंगा टॉपर है, साथ में इन्होंने बिहार बोर्ड में आईकॉम में इन्होंने 10वां स्थान प्राप्त किया है, और इन्होंने जिस इंस्टीट्यूट से अपना पढ़ाई किया है वो है NICBA। उनके टीचर, उनके उस्ताद हमारे साथ मौजूद है इस इंटरव्यू में, उनसे भी कुछ बात करना चाहेंगे। सर, कैसा फील कर रहे हैं आप? आपके इंस्टीट्यूट ने जिला टॉपर दिया है, साथ में बिहार बोर्ड से इन्होंने 10वां स्थान प्राप्त किया है टॉपर में। नमस्कार, मेरा नाम जैफी आजमी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने एस्टेब्लिश किया था इसी मकसद से कि स्टूडेंट को टॉपर बनाया जाए। अब तक के इतिहास में पहली दफ़ा दरभंगा से मैंने बिहार टॉपर के लिए प्रिपेयर किया बच्चों को, और ये फर्स्ट ईयर में मैंने इसको हासिल भी किया। बच्चों ने इसमें सपोर्ट भी किया मेरा पूरी तरीके से, क्योंकि सिर्फ हमारी मेहनत के साथ साथ बच्चे अगर नहीं करते तो ऐसा नहीं हो पाता, तो बच्चे ने भी अपना 100% दिया, जिसकी वजह से पहले साल इरादा करके ये रिजल्ट हासिल करना, ये मेरी बहुत खुशी की बात है। आसना जिया से जानना चाहेंगे, आपने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, और आगे का जो सफर है आपकी क्या ख्वाहिश है, आपका क्या है, आप आगे क्या बनना चाहती हैं, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? हाँ जी, मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहूंगी और मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। IAS ऑफिसर बनने का ख्याल आपका, ये सपना है या फिर आपने किसी चीज को देख के ये डिसाइड किया है कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है? एक्चुअली अक्सर ये देखने को मिलता है कि अगर आप को रेस्पेक्ट, वो रिकॉग्निशन, वो मतलब वो पावर चाहिए, तो आपको कोई अच्छी नौकरी चाहिए, तो इसके लिए मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, टू गेट रिकॉग्निशन, टू गेट रेस्पेक्ट, टू गेट दैट पावर। बिल्कुल सही कहा आसना जिया ने, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए एक लड़की होकर किस तरह इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। जो दुश्वारी होती है लड़कियों के साथ, वो अमूमन हर लोग जानते हैं, बाहर निकलना टफ होता है, ठीक है, ज़्यादा टाइम स्पेंड करना टफ होता है, लेकिन इन्होंने बाहर निकलकर, ठीक है, इस इंस्टीट्यूट में इन्होंने पढ़ाई किया है,
और बहुत ही अच्छा मुकाम इन्होंने हासिल किया है। फिर से एक बार दरभंगा लाइव न्यूज़ की टीम इनको बधाई देती है, बिल्कुल ये बधाई के पात्र हैं इस वक्त। और इन्होंने जैसा बताया आईएएस की ये तैयारी करना चाहेंगे और साथ में बताना चाहेंगे एनआईसीबीए एक उभरता हुआ नाम है और जो अभी पिछले एक साल में इन्होंने अपना एस्टेब्लिश किया है, जो दरभंगा को, दरभंगा जिला में इन्होंने 3 टॉपर दिया है। सर से ही जानना चाहते हैं। जी हाँ, एक बिहार टॉपर है जिसका रैंक में बिहार में 10th है, 10वां रैंक है, आशना सया जिससे आप लाइव हो रहे हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में भी फर्स्ट रैंक इसका हो गया और डिस्ट्रिक्ट के 3rd रैंक पे अंजू कुमारी है।